हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडीज में और मेरा नाम है जेम्स। इस वीडियो के अंदर आप सभी को करता हूँ दिल से स्वागत। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक वैकेंसी निकाली गई जो बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से निकाली गई है वैकेंसी। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इस पोस्ट अप्लाई करने की जो लास्ट डेट रखी गई है 14 अगस्त 2019 को रखा गया है। ठीक है फ्रेंड, ये मेल फीमेल दोनों के लिए है और इसमें आप लोग सारी बेसिक जानकारी दूंगा फ्रेंड इस वीडियो में कि कब से अप्लाई कर पाएंगे और अप्लाई करने के लिए आपकी एज लिमिट क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, सारी बेसिक जानकारी देने वाला इस वीडियो में। अगर आप लोग को अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा दे फ्रेंड, ताकि कोई वीडियो अपलोड करूँ लेटेस्ट वैकेंसी के बारे गवर्नमेंट के बारे तब से पहले आप नोटिफिकेशन मिल सके और लेटेस्ट वैकेंसी के बारे जानकारी प्राप्त हो सके। चलते वीडियो को शुरू करते हैं। और फ्रेंड, इस पोस्ट अप्लाई करने के लिए जो आपकी स्टार्टिंग डेट रखी गई है यहाँ पे आप देख सकते हैं, एप्लीकेशन बिगिन जुलाई 2019 यानी कि आज जो 30 जुलाई यानी कि कल से इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे फ्रेंड। और अप्लाई करने के लिए जो आपकी लास्ट डेट रखी गई है 14 अगस्त 2019 को, यानी 14 अगस्त पहले इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर देना। और इसका एग्जाम डेट एडमिट कार्ड अभी अवेलेबल नहीं, यानी कि किस मंथ में आपका एग्जाम होगा और किस मंथ आपके एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा ये अवेलेबल नहीं फ्रेंड, यानी जारी नहीं किया गया। जब इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में, तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन घंटी भी, ताकि आप लोग नोटिफिकेशन मिल सके। और फ्रेंड, इसकी जैसे मैंने कहा था फ्रेंड कि एप्लीकेशन फी यानी कि नील लगे यानी फ्री में इस पोस्ट अप्लाई कर पाएंगे फ्रेंड। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी पीएस कैंडिडेट के लिए यानी सभी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए फ्री में आवेदन कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए ऑनलाइन माध्यम से। और फ्रेंड, इसकी वैकेंसी डिटेल्स की बात करें तो वैकेंसी डिटेल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो पहला पोस्ट है जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए, इसमें आप देख सकते हैं कि इस कैटेगरी के लिए कितना सीट दिया गया है, जिसमें से आपका टोटल सीट है 6 है। और इसमें जो आपकी एज रखी गई मैक्सिमम 37 ईयर्स, इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन होना चाहिए अप्लाई करने के लिए फ्रेंड, यहाँ पे देख सकते हैं बैचलर डिग्री इन साइंस बीएससी इन केमिस्ट्री में आपके पास है क्वालिफिकेशन, तो इस पोस्ट अप्लाई कर पाएंगे। या फिर आपका लाइफ साइंस है, या फिर आपके पास इन्वायरमेंटल साइंस है या बायो केमिस्ट्री आपके पास है क्वालिफिकेशन, तो इस पोस्ट की अप्लाई कर पाएंगे फ्रेंड। और पहला पोस्ट के लिए, उसके बाद देख सकते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए, इसमें आप देख सकते हैं सिर्फ ये जनरल ओबीसी के लिए वैकेंसी है, इसमें से एक एक वैकेंसी जनरल ओबीसी में, टोटल आपका 2 वैकेंसी है। और इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई फ्रेंड बैचलर डिग्री इन साइंस बीएससी इन कंप्यूटर में, तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। या बीसी आपके पास है तो इस पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जब देख सकते हैं जिसमें आपकी एज लिमिट रखी गई मैक्सिमम 37 ईयर्स। उसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है फ्रेंड फील्ड अटेंडेंट और लैब अटेंडेंट के लिए, इसमें आपका नंबर ऑफ वैकेंसी टोटल 10 है, देख सकते किस किस कैटेगरी के लिए कितना सीट दिया गया है। इसमें आपकी एज लिमिट रखी गई मैक्सिमम 37 ईयर्स और इसमें आप क्वालिफिकेशन आपकी जो होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए, आपका 12 पास होनी चाहिए अगर किसी भी बोर्ड किसी भी इंडिया किसी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज बोर्ड सब की है, तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और फ्रेंड्स, की जो लास्ट पोस्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर और पारा टेक्सोनोमिस्ट के लिए, इसमें आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी देखने को मिलेगी 10 है। इस तरह देख सकते हैं कि इस कैटेगरी में कितना सीट दिया गया है। इसमें आपकी एज लिमिट रखी गई मैक्सिमम 30 और क्वालिफिकेशन होना चाहिए बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम किसी भी बोर्ड से किए, तो इस पोस्ट अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन उसके साथ कह रहा फ्रेंड आपका होना चाहिए बैचलर डिग्री के साथ गुड कंप्यूटर नॉलेज आपके साथ होनी चाहिए, उसके से कंप्यूटर में आप एक ईयर का एक्सपीरियंस है, तो इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। और फ्रेंड, ये ऑनलाइन माध्यम आप लोग अप्लाई करना है। अगर आप लोग गवर्नमेंट से रिलेटेड जॉब पाना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन के दबाना ना भूले फ्रेंड। तो चलते हैं फ्रेंड, भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो फिर लेटेस्ट वैकेंसी और फिर दूसरे वीडियो में आप लोग जानकारी देंगे।